मौका था राजधानी रांची के नागा बाबा खटाल वेजिटेबल मार्केट के उद्घाटन का, लेकिन इसमें भी रांची की मेयर आशा लकड़ा, डिप्टी मेयर संजीव विजयवर्गी और भाजपा के नेताओं के साथ सीओ मुकेश कुमार की रंजिश का साफ पता चलता है। आज जिस तरह से राजधानी रांची की मेयर आशा लकड़ा और डिप्टी मेयर संजीव विजयवर्गी और सांसद संजय सेठ का अपमान हुआ, उससे यही लगता है कि रांची नगर निगम ठीक ढंग से काम नहीं कर पा रही है। रांची नगर निगम के सीओ मुकेश कुमार इन दिनों हेमंत सोरेन सरकार के इशारे पर ही काम कर रहे हैं और ऐसे में उनकी प्रमुख कर्तव्य ये भी बनता है कि रांची के मेयर आशा लकड़ा को इज्जत दें। लेकिन उनकी इज्जत की वानगी सुनिए कि किस तरह से उन्होंने वेजिटेबल मार्केट के उद्घाटन सत्र के दौरान मेयर आशा लकड़ा, डिप्टी मेयर संजीव विजयवर्गी और सांसद संजय सेठ को बोलने तक का मौका नहीं दिया गया। उनके भाषणों की अवधि न केवल कम की गई बल्कि उनके भाषणों को हटा ही दिया गया। यानी कहा जाए कि रांची नगर निगम के कार्यक्रम में अगर मेयर के भाषण की मनाही हो, डिप्टी मेयर के भाषण की मनाही हो और रांची के सांसद संजय सेठ को बोलने की मनाही हो तो ये आपको सहन नहीं होगा और न ही ये बर्दाश्त ही होना चाहिए। लेकिन बड़बोले सीपी सिंह को मौका जरूर मिल गया राजधानी रांची के वेजिटेबल मार्केट के उद्घाटन के दौरान भाषण देने का। कारण साफ था, अगर उनको भाषण देने का मौका नहीं मिलता तो इसे बेवजह मुद्दा बनाते और मीडिया में भी इस बाबत वो तरह तरह के बयान देते। इस बाबत मुकेश कुमार ने इस नज़ाकत को समझा और उन्होंने विधायक सीपी सिंह को भाषण देने का मौका दिया। लेकिन रांची के सांसद संजय सेठ और रांची की डिप्टी मेयर संजीव विजयवर्गीय और रांची की मेयर आशा लकड़ा को भाषण नहीं देने का मौका देना ये बताता है कि रांची नगर निगम में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। एक तरह से कहा जाए कि अधिकारियों की ओर से जनप्रतिनिधियों का अपमान भी किया जा रहा है और ऐसे में ये कहा जा सकता है कि राजधानी रांची नगर निगम में जो रंजिश की आग है वो धधक रही है, इसे कब और हवा मिल जाए ये कहा नहीं जा सकता। मुखर संवाद के लिए रांची से ब्यूरो रिपोर्ट। जब टूटती है आग, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।